बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 सिंटेक्स पोर्ट का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हम लोग करेंगे। तो मैंने जैसे कि इसमें देखा है कि मैंने आपको बताया था कि मैं सिमिलैरिटीज़ देखूंगा हमारी जो इंटर की जो ओल्ड बुक है और न्यू बुक में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। अब देखें, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमने इसको अगर कोई एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है तो उसके लिए भी ये लेक्चर बहुत बेस्ट है। इंटर पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है, इंटर के बोर्ड देने तो उसके लिए भी बेस्ट है। ठीक है, दोनों के लिए बेस्ट है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, शुरू का मैंने पेज वो स्किप कर दिया, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री और केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल। ठीक है, वो मैं आपको एंड में बताऊँगा क्योंकि वो आसान चीज़ है। बाकी जो हमें अभी पढ़ना है हमें वो पढ़ना है। ठीक है, तो बाकी मैं वो भी चीज़ बताऊंगा कि क्या चीज़ नई बुक में ऐड की गई है, क्या पुरानी बुक में कौन सी चीज़ मिसिंग थी और नई बुक में कौन सी चीज़ मिसिंग है। तो देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पर इस चीज़ को, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये आपके पास बायो मॉलिक्यूल्स एंड देयर यूनिट्स एंड लिंकेजेस। तो ये आपने लिंकेजेस इसके याद करने, हम लोग अभी यहीं से स्टार्ट, टाइप्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। तो आपको ये लिंकेजेस याद होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स में ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड। ये चार आपका पुरानी बुक में नहीं है, ये नई बुक में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसे याद कर लें। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी है। तो देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट में यूनिट्स इसके क्या हैं, मोनोसेक्राइड हैं। लिंकेजेस क्या होती हैं, इनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हैं। जो लोग एमडीकैट दे रहे हैं तो उनको मैं ये बोलूँगा कि वो क्या नाम है, इस चीज़ को हाईलाइट कर लें। ये देखिए, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, ईस्टर लिंकेज, इस चीज़ को अपनी बुक में हाईलाइट कर लें वो लोग। ठीक है, तो वो लोग यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लें जो लोग एमडीकैट वगैरह दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी सारी लिंकेजेस याद करनी है, डीऑक्सीराइबोस की। और सबसे जो आपकी मतलब के जो इम्पोर्टेंट है वो है आइसोप्रोनॉइड यूनिट्स, टर्पिनॉइड या उसमें की सी सी लिंकेजेस, ये आपने याद करनी है। तो ये पता होनी चाहिए आपको, लिंकेजेस ये आपको याद करनी है। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आ सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे वाला पैराग्राफ, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद आपका ये चार्ट है, ये चार्ट आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी पुरानी बुक में भी है और नई बुक में भी है। तो ये लास्ट टाइम जो एमडीकैट था उसमें ये एमसीक्यूज आया था कि वाटर कंटेंट बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल में कितना है। तो दोनों में सेम होता है, हो सकता है इस बार प्रोटीन के ऊपर पूछने के, मेमेलियन और बैक्टीरियल में प्रोटीन कितना होता है। तो उन्होंने मेमेलियन पूछा था, तो आपको पता होना चाहिए 18% मेमेलियन में होता है और 15% प्रोटीन बैक्टीरियल में। तो चलिए जी, हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है, क्या कह रहे हैं, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर्स। सही है जी, पढ़ते हैं। तो क्या है, बाय कंडेंसेशन। अच्छा जी, पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल विच फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर लार्ज इन साइज एंड हाईली ऑर्गेनाइज मॉलिक्यूल कॉल मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी इतना पढ़ें, यहाँ पे आपको इतना पढ़ने से समझ नहीं आएगा। उसके आगे, विच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स द सब यूनिट कॉल मोनोमर्स और बिल्डिंग ब्लॉक। देयरफॉर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स, पॉली मैनी मर्स और पार्ट। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्ट्रक्चर किसी चीज़ का फॉर्म करें और किसी भी सेल की एक्टिविटीज़ को करें, जो आपके पास लार्ज साइज में हो, तो वो क्या कहलाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है कहलाते हैं। क्या कहें, वो लार्ज नंबर में, उसके बाद क्या है, विच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, और ये लो मॉलिक्यूल लार्ज नंबर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल मॉलिक्यूल सब यूनिट जो होते हैं मोनोमर्स और बिल्डिंग ब्लॉक। अब देखें, हम इसको यहाँ पर इस पे समझते हैं, टीचिंग बोर्ड पे। देखिए, ये आपके पास एक मोनोमर है, ये आपके पास दूसरा मोनोमर है, ये तीसरा मोनोमर है। अब ये तीनों मिलकर बना देंगे एक बड़ा सा, क्या करा देंगे इसको, क्या कहेंगे हम, दिस इज व्हाट, मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल है आपके तीन जो है ना, मैंने अभी क्या यहाँ पे दिखाया, आपके तीन जो है ना, ये आपके स्मॉल स्मॉल तीन स्मॉल स्मॉल क्या है, आपके पास मोनोमर है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपके क्या है, मोनोमर, ये आपके मोनोमर हैं। इन मोनोमर ने मिला के क्या बना दिया, आपके पास एक आपका मैक्रो मॉलिक्यूल बना दिया।
तो ये देखिए यहाँ पर यही है ना बिल्डिंग ब्लॉक, देयर फॉर मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स, पॉलीमैनिमर्स। इनको पॉलीमर इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा मोनोमर्स होते हैं। अभी हमने बात की ना कि मोनोमर्स, हमने तीन मोनोमर्स बनाए थे तो एक से ज़्यादा मोनोमर्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉलीमर्स हो जाएंगे। तो ये सिंपल था। और उसके बाद बाय कंडेंसेशन, देखिए हम आगे पढ़ेंगे। तो अच्छा जी हाँ, एक चीज़ मैंने आपको ये बतानी थी, ये चार्ट जो है आपके पास जो ओल्ड बुक में है ये है, लेकिन न्यू बुक में नहीं है। मैं समझता हूँ ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एमडी कैट वो ओल्ड से भी दे देते हैं, लास्ट टाइम उन्होंने ओल्ड से भी दिया और न्यू से भी कुछ दे दिया, तो मिक्स दे रहे हैं। तो ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है। परसेंटेज बाय वेट ह्यूमन बॉडी, कार्बन कितनी परसेंटेज में है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो पहले आप न्यू बुक पढ़ लें, बाद में इसको एंड में याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम अपना ये पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मोनोमर्स बाय प्रोसेस दैट रिसेम्बल्स कपलिंग ऑफ रेल कार्स इनटू आ ट्रेन। अच्छा जी क्या कह रहे हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं मोनोमर से, बाय प्रोसेस दैट रिसेम्बल कपलिंग ऑफ रेल कार्स इनटू अ ट्रेन। इसको तो मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा। देखें कपलिंग ऑफ रेल कार, ये देखिए ये आपका रेल कपलिंग ऑफ रेल कार्स, इनका क्या कहना है यहाँ पर, ये देखें आपका रेल के जो डब्बे होते हैं, एक डब्बा उससे ये दूसरा डब्बा जुड़ा हुआ है, फिर उससे ये आपका क्या है, तीन डब्बे जुड़े हुए हैं। तो ये कपलिंग ऑफ रेल कार्स, तो इसी की वजह से आपके पास क्या बनते हैं यहाँ पर, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यही यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपके मैक्रो मॉलिक्यूल इस तरह से बनते हैं। रेल कार्स वेरी मोलिक्यूल इज़ वेरी सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर्म बैक्टीरिया टू ह्यूमन ह्यूमन बींग्स। अच्छा जी इस चीज़ को आप लोग हाईलाइट कर ले हैं, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन बींग्स, क्योंकि सब में मैक्रो मोलिक्यूल का बनना ऐसे ही होता है। तो उसके बाद क्या है, इन दिस प्रोसेस मोनोमर्स आर जॉइंट टुगेदर बाई रिमूविंग ओ एच फ्रॉम वन मोनोमर एंड एच फ्रॉम अदर अनदर मोनोमर, सो बोथ मोनोमर हैव अ न्यू कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन दैम। दिस प्रोसेस जॉइनिंग टू मोनोमर बाई रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अच्छा जी क्या कह रहे हैं, दो मोनोमर का जॉइन हो रहा क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। ये आपकी पुरानी बुक में भी यही सेम लाइन है और नई बुक में भी सेम लाइन है। तो क्या कह रहे हैं, मोनोमर आर जॉइंट टुगेदर बाई रिमूविंग ओ एच फ्रॉम वन मोनोमर एंड एच फ्रॉम अनदर मोनोमर। तो हम इसको अपने यहाँ पर समझते हैं इस टीचिंग बोर्ड पे। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंने आपके पास क्या है, आपके दो मोनोमर हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। ये आपका एक मोनोमर हो गया, ये उसके बाद दो मोनोमर हो गया। आप देखें यहाँ पर एक ओ एच इधर लगा हुआ है, ओ एच इधर लगा हुआ है, एक एच इधर लगा हुआ है, और ये एक ओ एच इस पे लगा हुआ है और एक एच इधर लगा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ से एक एच यहाँ से निकल जाएगा, ओ एच यहाँ से निकल गया और एक से एच निकल गया। क्या हो गया, ये ओ एच और एच निकल के क्या बना देंगे, आपको पता है ना, ओ एच और एच में निकल के क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। तो यही उन्होंने पीछे क्या बात की, यही बात कर रहे हैं ना कि फ्रॉम रिमूविंग ओ एच फ्रॉम वन मोनोमर एंड एच फ्रॉम अनदर मोनोमर, सो बोथ मोनोमर फॉर्म अ न्यू कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन दैम। दिस प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मोनोमर्स बाई रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, दोनों मोनोमर ज्वाइन हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि वाटर आपके पास रिमूव हो जाता है, जब वाटर की रिमूवल होती है तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, डिहाइड्रेशन कहलाती है। और देखिए इस लाइन को आपने हाईलाइट करना है, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये, इसको, कंडेंसेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय प्रॉपर एंजाइम एंड एनर्जी एक्सपेंस। तो ये आपने याद रखना है, कंडेंसेशन आपके पास कब होती है, जब आपके पास प्रॉपर एंजाइम हो और एनर्जी एक्सपेंस भी हो, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये हमारा हो गया मोनोमर, इजीली था। देखिए दो मोनोमर ज्वाइन होके एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, बहुत सारे मोनोमर होते हैं उनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। उसके बाद हमने कंडेंसेशन पढ़ी, कंडेंसेशन कैसी होती है, जॉइनिंग ऑफ टू मोनोमर, टू मोनोमर्स कैसे ज्वाइन होते हैं,
एक हमारे पास दो मोनोमर हैं, एक मोनोमर से हम ओ एच रिमूव करेंगे और एक से एच रिमूव करेंगे, तो वो ओ एच और एच निकल के वाटर रिमूव हो जाएंगे, तो ये हमारे पास कंडेंसेशन क्या कहलाती है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, क्योंकि वाटर हमारे पास रिमूव हो गया और ये बॉन्ड बन गया। तो ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ये भी याद रखना है। और कंडेंसेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय प्रॉपर एंजाइम एंड एनर्जी एक्सपेंस। ठीक है, ये हमारा हो गया। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल बाय हाइड्रोलिसिस। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, बाय कंडेंसेशन मॉलिक्यूल्स को क्या नाम है, मैक्रोमोलिक्यूल हमने कंडेंसेशन से तोड़ा, अब हम उसे हाइड्रोलिसिस से तोड़ेंगे। हाइड्रोलिसिस का आपको पता है, हाइड्रोलिसिस को व्हाट डज इट मीन, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर की ब्रेकडाउन। पढ़ते हैं क्या लिखा है, प्रोसेस वेयर मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर आर ब्रेकन डाउन इनटू देयर सब यूनिट मोनोमर बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो ये तो पढ़ते ही समझ आ रहा है, उसमें क्या था, हमने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया था और इसमें क्या है, हमने वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया है। क्या है, कंडेंसेशन की रिवर्स है, आपने कंडेंसेशन याद करना है या आपने हाइड्रोलिसिस याद करना है, कोई एक भी याद कर ले, दोनों याद हो जाएंगे। और क्या लिखा है, ड्यूरिंग दिस वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू एच एन ओ एच आयन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम वेयर एज ओ एच ग्रुप टू वन मोनोमर एंड एच अटैचेस टू अदर बाय ब्रेकिंग लिंकेज बॉन्ड बिटवीन टू मोनोमर्स। तो देखिए ये रिवर्स ही है, मैं इसको यहीं पे ही आपको समझा देता हूँ, इसी पे ये हमारी पेंसिल आ गई। तो उसमें क्या था, ये हमारे पास मोनोमर मैंने बनाए थे ना, ये इस पे ओ एच इधर था और एच इधर था, और इस वाले पे ओ एच इधर था और एच इधर था। तो मैंने बताया था एक ओ एच यहाँ से निकाल दें और यहाँ से आप एच निकाल दें, वाटर बन जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें मैं इसको मिटा देता हूँ, इसमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपके पास एक ये है मोनोमर, एक ही है मोनोमर। अब ये कह रहे हैं कि एक पे ओ एच आके यहाँ पे लग गया, उसमें क्या था निकला था, इसमें क्या हो गया, यहाँ पर आके लग गया है, बस इतनी सी बात है, यहाँ पर इतना सा डिफरेंस है। यहाँ पे उसमें क्या था रिमूव कर दिया, इसमें क्या होगा, यहाँ पर आके लग जाएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, हमारे पास हाइड्रोलिसिस कहलाएगी। अब जो आपकी ओल्ड बुक है ना, उसमें एक डायग्राम बनी हुई है, तो वो अब देखें इस पे ये डायग्राम है ना, कंडेंसेशन रिएक्शन, तो ये आप देख सकते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या है, आपके पास वाटर रिमूव हो रहा है, ये देखें ये। अब एम डी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको डायग्राम भी दे सकते हैं बनाने से, ये ऐसे डायग्राम दे देंगे, पूछेंगे ये कौन सा प्रोसेस है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन ये देख लें, दो मोनोमर ज्वाइन हो रहे हैं आपके पास, ये यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल ये है ना, ये रिमूव हो गया, ये देखें ये कोने में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। और ये हाइड्रोलिसिस में देखें, ये वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, एरो से पता चल रहा है, देखें हाइड्रोलिसिस ऐड अ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकिंग अ बॉन्ड। तो ये इस तरह से भी आपके न्यू बुक की डायग्राम भी पूछ सकते हैं। ओल्ड बुक की डायग्राम जो है वो भी क्वाइट ईजी है, पेज नंबर 22 पे है, ठीक है, तो वो भी इसी है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपके पास, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म मैक्रोमोलिक्यूल आर आइदर फॉर्म और ब्रोकन डाउन इन द सेल व्हेन सेल रिबिल्ड मैनी ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। तो ये देखिए ये मैंने हाईलाइट किया, ये लाइन आपको याद करनी है, इन हीटरोट्रॉप्स ड्यूरिंग डाइजेशन मैक्रोमोलिक्यूल ब्रोकन इंटू मोनोमर्स बाय हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। उसके बाद वाली लाइन नीचे वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एम डी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ही हाईलाइट। ठीक है, तो आपको ये पता समझ आ गया, सिंपल इजी है, जस्ट रिवर्स है कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस। उसके बाद क्या है, दीज मोनोमर व्हेन रीच टू सेल अगेन फ्रॉम मॉलिक्यूल बाय प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो देखें ये कंडेंसेशन हाइड्रोलिसिस रिवर्स हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए लिखा हुआ, जब मोनोमर सेल को दोबारा सेल के पास पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, वो माइक्रोमोलिक्यूल्स फिर से बना रहते हैं, किस प्रोसेस से, कंडेंसेशन से। और उसके बाद क्या है, हीटरोट्रॉप्स, और ये नीचे वाली लाइन, ऑटोट्रॉप्स सेल प्रोड्यूस मोनोमर फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये लाइन भी इसको तो हाईलाइट हमें करना पड़ेगा, ग्रीन से कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है ये देखें, एम डी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से इन ऑटोट्रॉप सेल प्रोड्यूस मोनोफॉर्म इन ऑर्गेनिक लाइट कार्बन डाइऑक्साइड एन ओ टू, ये एम सी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन ऑटोट्रॉप्स सेल प्रोड्यूस मोनोमर फॉर्म इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एन ओ थ्री टू माइनस वन ये, और इसके पास एस ओ फोर माइनस टू एटसेट्रा बहुत सारे हैं।
तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। देखिए ये हीटोट्रॉप्स वाली लाइन और ये ऑटोट्रॉप्स वाली लाइन, ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकती है, क्योंकि इसका एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह ताला हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें भी ये हम एमसीक्यूज़ में ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या है, दीज मोनोमर लेटर ऑन असेंबल टू, तो आप फिक्र नहीं करिएगा, ये जो पीडीएफ है ना ये मैं आपको भेज दूंगा, ये बिल्कुल हाईलाइट हुई हुई पीडीएफ है, ये भी भेज दूंगा, और अपने हैंड रिटन नोट्स भी मैं लिखूंगा, बिल्कुल इसी बुक से ही बनाऊंगा, पुरानी बुक और नई बुक मिला कर, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा, लेक्चर भी लेना तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। उसके बाद क्या है, दीज मोनोमर लेटर ऑन असेंबल टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल इन सोर्स ऑफ सिंग टिश्यू बाय प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन व्हाइल द अदर सेल व्हेन रिक्वायर दीज मोलिक्यूल आइदर फॉर बाइंडिंग पर्पस और टू प्रोड्यूस एनर्जी दीज मोलिक्यूल ब्रेक इनटू मोनोमर बाय प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो वही बात है, हाइड्रोलिसिस से ब्रेक होते हैं, कंडेंसेशन से ज्वाइन हो जाते हैं, तो सिंपली वही प्रोसेस है। तो हमने अभी यही दो टॉपिक पढ़ने हैं, चलिए अब हम लोग उसके एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो एमसीक्यूज करेंगे तो हमारा लेक्चर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, हमें उसकी चीज़ें याद हो जाएंगी जो मेन मेन चीज़ें होंगी। तो एमसीक्यूज, पहला एमसीक्यूज क्या है, पर तो हम लोग सिर्फ 5 एमसीक्यूज करेंगे, तो इससे 5 एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो टॉपिक हमने पढ़े हैं। पहला क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन अ मेमिलियन सेल इज, मैंने आपको कहा था कि वो चार्ट इंपॉर्टेंट है, आपने करना है, लास्ट टाइम वाटर पे आया था, इस साल एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह के हो सकता है प्रोटीन पे आ जाए, पता नहीं है। तो आपने परसेंटेज जो प्रोटीन इन अ मेमिलियन सेल तो क्या है, 15, 18, 2%, 4%, तो ऑप्शन बी मेमिलियन सेल में आपके पास कितना है, 18% प्रोटीन होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो एमसीक्यूज हम पढ़ते हैं वो क्या है, द जॉइनिंग ऑफ टू मोनोमर्स क्या होगा, कंडेंसेशन, हाइड्रोलिसिस, डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी है, सिंथेसिस। क्या है, दो मोनोमर्स को जॉइन करना, तो वो क्या कहलाता है आपके पास, क्या कहलाएगा, ऑप्शन ए कंडेंसेशन, ब्रेकिंग होगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, आपके पास हाइड्रोलिसिस। ऑप्शन क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं, कंडेंसेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय, ये मैंने बताया था ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हो सकता है, कंडेंसेशन कब होती है आपके पास, जब ऑप्शन ए में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंजाइम एंड एटीपी, एंजाइम एंड एनर्जी, डी में वाटर एंड एटीपी, तो और कब होती है आपके पास कंडेंसेशन, आपके पास जब आपके पास ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय एंजाइम, प्रॉपर एंजाइम और एनर्जी एक्सपेंस, तो जब आपके पास ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये एमसीक्यूज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हीटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स वाला मैंने बताया था, तो क्या है, इन ऑटोट्रॉप सेल प्रोड्यूस मोनोमर फ्रॉम डैश मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर या मैक्रो, सॉरी सी में है मैक्रो मॉलिक्यूल, डी में है पॉलीमर, ये तो ज़रूरी नहीं है पॉलीमर मैक्रो मॉलिक्यूल हो, उधर और भी ऑप्शन आपको दे सकते हैं, कोहिजन कुछ भी दे सकते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। ऑटोट्रॉप्स जो है ना, उन ऑटोट्रॉप्स के अंदर सेल जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं मोनोमर किस प्रोसेस के जरिए, फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे हमारे पास प्लांट्स वगैरह हैं। उसके बाद हमारा लास्ट हम लोग पढ़ते हैं एमसीक्यूज क्या है, इन विच प्रोसेस ओ एच ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम वन मोनोमर एंड एच ग्रुप फ्रॉम अनदर, तो मैंने बताया था कि ये आपके पास क्या है, यहीं पे बना देता हूँ, ये मोनोमर है, एक से हमारे पास ओ एच रिमूव हो रहा है, एक से हमारे पास यहाँ पर एच रिमूव हो रहा है, ये ओ एच और एच निकल के आपके पास क्या बनाते हैं, वाटर बना देता था, ये आपको पता था ना, तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि एक आपके पास एक से क्या कर दिया, इन्होंने रिमूव कर दिया OH, और एक से क्या रिमूव कर दिया H, तो ये कौन से प्रोसेस में होता था, हाइड्रोलिसिस में होता था, कंडेंसेशन, कोहिजन एंड एडिशन, कोहिजन और एडिशन हमने पढ़े नहीं है, वैसे बाद में तो आप पढ़ लेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया था ये आपके पास किस प्रोसेस में होता है, कंडेंसेशन में रिमूव होगा, एक मोनोमर से OH, दूसरे से H निकल के वाटर बना देंगे, और हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, रिवर्स होता है, यानी एक पे आके OH लग जाएगा, दूसरे पे आके H लग जाएगा, तो ये आपके पास क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। तो ये आपके 5 एमसीक्यूज हो गए, तो ये आपको मतलब कि जो मैंने भी अभी लेक्चर में पढ़ा है, जो जो हाईलाइट किया, ये पूरी पीडीएफ और विद दिस एमसीक्यूज ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी।